पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आशुतोष जी, टूट टूट रहे हैं विधायक के, तोड़े जा रहे हैं विधायक। अच्छा, और अब जो रुकना नहीं चाहता उसे कोई अगर जा रहा है, मिलिंद देवरा को क्या बीजेपी ने तोड़ा, अशोक चव्हाण को बीजेपी ने तोड़ा, और अजीत पवार जब आए तो बीजेपी ने तोड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ, आज अगर बासवराव पाटिल जैसे, अर्जुन मोरवाड़िया जैसे छोड़कर चले जाएं और सारा का सारा दोष जो है वो बीजेपी पे मर्द देना, क्या ये कहीं इसका कोई औचित्य है? आशुतोष जी रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। नहीं नविका जी, आपका सवाल इतना मासूम है कि मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल इसका जवाब क्या दिया जाए। चलिए, तो नहीं लगता कि मासूम सवालों का भी जवाब आप नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या कहूँ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, इस देश के अंदर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है नहीं, सीबीआई भी है नहीं। अभी जो बंगाल के जो नेता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था। समझ रहे हो आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब अशोक चव्हाण के बारे में प्रधानमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब आदर घोटाले का नाम लिया तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या था? या तो जेल जाइए या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। और देखिए कितनी अच्छी चीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। ये गड़बड़ है बाबा। अब इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती है ना। इसी तरीके से अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने दमोह में कहा कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको लगा कब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, बोले चलो इधर साथियों के साथ चलते हैं इधर। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव का मौसम आता है तो लोग राजनीतिक पार्टियां छोड़ते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं जिनको लगता है कि शायद इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। सही पकड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो अब अगर इनके बल पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी जीतने का सपना देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। लवणे न भोजन। तो ये जब सत्ता में कोई पार्टी होती तो जीत का नशा होता है और हर हालत में जीतना चाहते हैं। आशुतोष जी मैं क्या कहूँ आपको, मतलब पुरानी दादी माँ जैसी मेरी कहती थी ना, वारी जाऊं आपके जवाब पर। मासूम मेरा सवाल था या मासूम आपका जवाब है, समझ ही नहीं आ रहा कि इतना मासूम आशुतोष आज कहां से आ गया है। चुप साली, बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। खत्म।